हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में एक नॉर्मल, अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर अभी आपकी एंगेजमेंट होने वाली है या फिर आपको कहीं शादी में जाना और आपके पास इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, 10 तरीके के आप फाउंडेशन, 10 तरीके के आप कंसीलर नहीं ले सकते हो, 10 तरीके के आप यहाँ पर ब्लश नहीं ले सकते हो, हाईलाइटर नहीं ले सकते हो, तो अगर आपको ईजी सा मेकअप लुक क्रिएट करना है, जैसे कि वो मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगे, फ्लॉलेस लगे और देखने में भी बहुत अच्छा, कम प्रोडक्ट से ही आप बहुत अच्छा अपना स्किन केयर कर सकते हो गाइस, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोग के साथ में, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ब्लॉग चैनल पे अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ, अपनी हेयर केयर कैसे करती हूँ। क्या है कि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आप लोग के साथ में वही चीजें शेयर करती हूँ जो चीजें मैं अप्लाई करती हूँ, जो चीजें मैं अपना एक टाइम में, वन टाइम में यूज करती हूँ, ठीक है। बट आप लोग को ये नहीं पता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक और रात तक अपने बालों में, अपनी स्किन पे क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, क्या क्या लगाती हूँ। तो गाइज, मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं किया है, बस केवल मॉर्निंग में मैंने जो बाथ लिया था स्टीम वगैरह जैसे करके नहाते हैं हॉट वाटर से, थोड़ा सा गर्म पानी से, गुनगुने पानी से वो करा था मैंने। और उससे पहले अपने बालों को मैंने शैम्पू किया था, पैक लगाया था, अभी वो आज आप लोग के साथ में मामा अर्थ का जो पैक है अनियन हेयर मास्क, वो आएगा, वीडियो अपलोड हो रही है, वो एडिट करना था मुझे तो थोड़ा सा टाइम लग गया गाइज, आज संडे है, आप लोगों को पता ही है थोड़ा टाइम लग ही जाता है, बिकॉज जो संडे का शेड्यूल होता है बिजी होता है, इसलिए थोड़ा सा हम लेट उठते भी हैं, तो इसीलिए संडे का ही एक टाइम होता है जब इंसान अच्छे से आराम से फ्री होकर के उठता है, नहीं तो मेरा जो टाइम रूटीन है मॉर्निंग में उठने का 6 बजे का है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो जल्दी की भगदौड़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कृष्णा भी होता है, उसका सुबह उठते ही डायपर वगैरह चेंज करना होता है, मालिश करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग में बात करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ में अपना ब्लॉगिंग जो चैनल है उस पर भी मैं आप लोग के साथ में अपना डेली रूटीन शेयर करूँ, जिससे आप लोग को आइडिया हो। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आप पूजा कैसे करते हैं, मांग में सिंदूर कैसे लगाते हो, ये सारी चीज़ें भी बताओ। तो गाइज, जब पूजा पाठ होती है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में अपने ब्लॉग चैनल पर शेयर करूँगी। गाइज, सच में आप करोगे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, मैंने भी की है, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी, मतलब समझ में नहीं आता था क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ जब से मैंने ये सारी चीजें अपना अप्लाई की है, अपने लाइफ में इसको ऐड की है, तो मुझे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि अपनी लाइफ को कैसे बनाना है अच्छा, और अपने हस्बैंड वाइफ में कैसे कंपैटिबिलिटी बनानी है, खुश रखना है, अपनी फैमिली को कैसे खुश रखना है, किसी दूसरे बंदे के दिल में कैसे जगह बनाना है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। मैं अपना पूरा जो डेली रूटीन है वो भी शेयर करूंगी, ठीक है, स्किन केयर और अपना बॉडी केयर, बालों की केयर, कृष्णा का ख्याल और आपके जो जीजू हैं उनका ख्याल मैं कैसे रखती हूँ, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट हाँ, कभी बीच बीच में ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी तो आप लोग उसके लिए नाराज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे थे दीदी आप ब्लॉगिंग किया करो अच्छा लगता है, तो गाइज मैं सोच रही हूँ कि अब आप लोगों की जो डिमांड है वो भी पूरी की जाए, ठीक है। तो चलिए, अभी जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये है कि आप लोग नॉर्मल तरीके से भी अगर मेकअप करते हो तो भी आपका मेकअप जो होता है बहुत ही फ्लॉलेस लगता है, ज़्यादा चीज़ें फेस पे पोतने से आपका जो फेस होता है वो ख़राब होता है, क्योंकि हम कंसीलर जो यूज़ करते हैं, फाउंडेशन जो यूज़ करते हैं, प्राइमर जो यूज़ करते हैं, सारे एक ही ब्रांड का नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग के साथ में मैं नॉर्मल तरीके से जो चीज़ें लेकर के आई हूँ, देख लीजिए आप लोग, है ना, फाउंडेशन आप लोग हमेशा अच्छा यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का जो फेस फाउंडेशन है वो यूज़ कर रही हूँ। ये जो मेरा शेड है, ये मेरा शेड मेरे स्किन टोन थोड़ा सा लाइट है, बिकॉज मैंने जानबूझ के लाइट लिया है, क्योंकि क्या होता है लाइट जो डार्क जो होता है वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश दिखाता है, ये मेरा मानना है, बाकी मैं दूसरे का नहीं बता रही हूँ, मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रही हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ये लाइट लिया है, जो फाउंडेशन होता है थोड़ा सा लाइट होना चाहिए आपके फेस पे, और आपको उसमें कम क्वांटिटी में ही आपके फेस पे बहुत अच्छे से वो ब्लेंड होता है, अच्छे से फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और ये फाउंडेशन जो कलर है बीच कलर है, पूरा मैं डाल दूंगी, और अच्छा है ये, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग फाउंडेशन यूज करते हो तो आप लोग के पास एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे ब्रांड का फाउंडेशन होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि दीदी कौन कौन से फाउंडेशन हमारे पास होना चाहिए नॉर्मल मेकअप में, और फिर गाइज और एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगी कि मैं हमेशा फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ, मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। ये जो वीडियो है आज रिक्वेस्टेड वीडियो है, प्रियंवदा उनकी शादी होने वाली है या फिर उनको शायद शादी में जानी है, और मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रियंका, उन्होंने भी वैसे ही कहा था कि दीदी आप थोड़ा बहुत मेकअप के बारे में भी बताया करो, हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग समझ में नहीं आता है क्या लें क्या नहीं लें। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स बताते हैं, कंसीलर बताते हैं, कलर करेक्टर जो होता है वो बताते हैं, क्योंकि उनके फेस पे पिगमेंटेशन होती है, उसको हाइड करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। अगर आप लोग घर पर कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, चाहे वो आपका मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फेस वॉश से हो, चाहे वो आपका सनस्क्रीन हो, क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, तो आप लोग ज़्यादातर घर की चीज़ें यूज़ किया करिए, वन टाइम आप घर की चीज़ें यूज़ कीजिए। और अगर आप
आपको कहीं जाना है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, तो आप वहां पर बाहर की प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बट जो भी यूज करो अच्छा यूज करो, है ना, और कंपनी का यूज करो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फाउंडेशन लगाने का जो तरीका है वो कैसा है, ठीक है। सो गाइज, मैं आप लोग के साथ में आज नॉर्मल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि आज देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो मैं यहाँ पर मैंने अपने फेस पे जो अपना फेस स्किन केयर होती है वो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था। मुझे इतने अच्छे से मैं स्किन केयर करती हूँ मॉर्निंग में, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाइट में मैं बस केवल जो भी मेकअप मैं लगाई रहती हूँ, अभी जैसे मैं फाउंडेशन लगा के आप लोग को दिखा रही हूँ, है ना, तो बस इसको ही मैं रिमूव कर दूंगी और उसके बाद से मैं अपना घर का ही DIY जो मॉइस्चराइजर मैंने बनाया था वो अप्लाई करती हूँ, टोनर अप्लाई करती हूँ अपना, और लिप बाम अप्लाई करती हूँ बस, और कुछ नहीं यूज करती, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ में जो सस्ता वाला जो प्राइमर है वो है NY का, ठीक है, आप ये भी प्राइमर यूज कर सकते हो। भाई जो दूसरा है मेरा LA गर्ल का प्रो HD हाई डेफिनेशन स्मूथ फेस प्राइमर, स्मूथनिंग फेस प्राइमर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग को इसका जानना होगा पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में तो मैं इसका भी डाल दूंगी, बट ये क्या होता है फुल HD मेकअप लुक में यूज किया जाता है, ये आप नॉर्मल मेकअप लुक में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसका यूज बहुत ही कम, जैसे ब्राइडल मेकअप हो गया, एंगेजमेंट मेकअप हो गया, उसमें करो आप, ठीक है, इतना महंगा यूज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये आपका है, ये आपका क्या बजट में है और आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप चाहो तो अपने फेस पे प्राइमर लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर मैं ये यूज कर रही हूँ 24K गोल्ड स्किन केयर, ये सीरम है और ये सीरम गोल्ड सीरम है। अगर आप अपने फेस पे सीरम लगाकर जैसे फेशियल ऑयल वगैरह लगाते हैं, तो फेशियल ऑयल लगाने के बाद से अपने फेस पे आप फाउंडेशन लगाते हो, अच्छे से डैपिंग करते हो, तो आपके फेस पे जो फाउंडेशन होता है वो अच्छे से मिक्स होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीरम है, ये सीरम बहुत अच्छा है, शादी के टाइम पे भी मैंने इसको ही लगाया था, मेरा खत्म हो गया था तो मैंने फिर से इसको मंगाया है, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके जो फेस पे फाउंडेशन लगाते हो, बेस लगाते हो, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। और आपको अपने लिप पे भी लगाना है, और इससे क्या होता है जब आप कोई लिप पे लाइट कलर लगाते हो, डार्क कलर लगाते हो, तो वो अच्छे से दिखती है, शो होती है, ठीक है। तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे इस सीरम को अप्लाई कर रही हूँ, इससे ना कलर भी बहुत अच्छा लगता है, और आप अगर इसको लगाते हो तो आपका जो फाउंडेशन होता है वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छा भी लगता है और अच्छे से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में ही आपके फेस पे अच्छे से मिक्स हो जाता है, है ना। थोड़ी सी ही लेनी होती है, 2-3 ड्रॉप, आप एक ड्रॉप यहाँ रखो फोरहेड पे, फिर दूसरा यहाँ और तीसरा इस पे रखो, एक चिन पे रख लो बस, है ना। और उसके बाद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो, और उसके बाद से आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपको फाउंडेशन की बस थोड़ी ही डॉट लेनी होती है, ज्यादा डॉट नहीं लेनी होती, बिकॉज फाउंडेशन इतना लगाओ कि आप अगर डे लाइट में कहीं जा रहे हो तो कुछ दिक्कत ना हो, अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि आपने बहुत सारा लगाया। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना सा लिया है, ठीक है, इतना सा लिया है, और इससे ही मैं मिक्स कर लूंगी सब पे ही, अपने फेस पे पूरे पे, और नेक के लिए अलग से ले लीजिए आप। पहले आप अपने फेस को कवर कीजिए, है ना, और बहुत ही हल्का हल्का फाउंडेशन लीजिए, और इससे क्या होता है कि आपका फेस होता है जो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, आपका जो मेकअप होता है वो रुका रहता है और ज्यादा मेकअप पोतने की जरूरत नहीं रहती। गाइस आप लोग को पता ही है कि अगर आप ज्यादा मेकअप लगाओगे तो आपका जो फेस है अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ही हैवी सा फेस लगता है, लगता है कि कितना सारा मेकअप लगाया। फिर मैंने यहाँ पर ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसको मैंने पानी में डिप कर लिया था अच्छे से और स्क्वीज कर दे रही हूँ मैं, जो भी एक्सेस वाटर है इसमें निकल जाएगा, है ना। डैम ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा होता है आपके मेकअप लुक को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, फाउंडेशन को। तो मैं यहाँ पर ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इससे ही मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से रब कर लूंगी, मिक्स कर लूंगी, स्प्रेड कर लूंगी। और जब आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है, और जो भी एक्सेस होता है, एक्सेस अमाउंट होता है, जब आप कम यूज करोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस मैं थोड़ा सा बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्लेंड करके दिखा देती हूँ।
सो गाइज देखा आपने कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी और इसमें ही मेरा सारा अच्छे से जो बेस है कम्प्लीटली लग चुका है ना। और इससे क्या होता है आपका जो फेस होता है वो लगता ही नहीं कि आपने ज्यादा मेकअप किया हुआ है। और अब मैं थोड़ा सा लूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बस एक ड्रॉप्स के करीब, और इसको अपने पूरे नेक पे लगाऊंगी। ठीक है, और ब्यूटी ब्लेंडर आप एक ले लो, एक काफी होता है। बस ये होता है कि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे हो तो उसको आप वेट करो, वेट करने के बाद से आप इसको मिक्स करो कि स्प्रेड करोगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको डैब 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 करके उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं बस फाउंडेशन लगाती हूँ और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं इसको बेक भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कम क्वांटिटी लेती हूँ और उसके बाद से जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। क्योंकि यार गाइस जब आप बाहर जाओगे तो आपका फेस ना मेकअप जैसा नहीं लगना चाहिए, हाँ फ्लॉलेस लगना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि आपने मेकअप पोता हुआ है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी बेक करने की चीजें नहीं लेती हूँ, मैं बेक नहीं करती हूँ फाउंडेशन को अपने, इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और वो धीरे 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 फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है, पता नहीं लगता है कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अच्छे से, मैंने अपने फेस पे यही इतना यूज किया है। और अब मैं यहाँ पर लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। ठीक है, और और उसके बाद से अगर आपके पास ब्लशर नहीं है, ब्लश नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका लिप लाइनर है, इसको ऐसे ऐसे कीजिए आप अपने फेस पे। और बस ये ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, इससे ऐसे ऐसे करके आप मिक्स कर दीजिए इसको। जो टीनेजर्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, नॉर्मल मेकअप लुक चाहते हैं, मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि उनका मेकअप भी करा हो और लगे ना कि आपने मेकअप नहीं किया है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो कितना अच्छा फेस लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद से मैं यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। मैं इसमें ही देख के सारा कुछ कर रही हूँ गाइस। ठीक है, तो आप लोग से आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। सो गाइज ये मेरा मेकअप लुक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और ये जो लिपस्टिक है ये मैट लिपस्टिक है, ये किस्मी की है, और अगर आप लोग को शेयर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो बस ये इतना ही सा है मेकअप लुक मेरा। और आप लोग बताइए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि आपने ज्यादा मेकअप लगाया है या फिर कम लगाया है या फिर आपने बहुत सारा थोप लिया है। तो आप लोग की जो भी राय होंगी, जो भी आप लोग की दिल में बातें चल रही होंगी, वो मेरे से शेयर कीजिएगा। आप लोग को मेरा मेकअप, ये सिंपल सा मेकअप लुक कैसा लगा। तो मैं बाहर जा रही थी तो मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनका नाम क्या है, प्रियंका नाम है
शायद प्रियंका नाम है, उन्होंने मेरे से कहा था कि प्रियंका ही नाम है, याद नहीं आ रहा है गाइज, तो उन्होंने वैसे कहा था कि आप ना, हाँ कोई एक सब्सक्राइबर है आप लोग जान जाओगे, मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगी, वहां पर डाल दूंगी कि इन्होंने ही कहा था। तो उन्होंने वैसे कहा था कि डियर आप ना अपनी मेकअप लुक ना शेयर किया करिए, आप जैसे बाहर जाते हो तो क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कैसे मेकअप लुक क्रिएट करते हो, तो वो भी आप डाला कीजिए छोटी छोटी क्लिप में। तो गाइस आज मुझे आप लोग को बहुत सारी बातें बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को ये सारी चीजें बता दी है और छोटी छोटी चीजें, जिससे कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है तो आप लोग समझ सकते हो। तो मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग बताइएगा। देखिए मेरी जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, अब अच्छी लग रही है देखने में। तो गाइज आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये मेकअप लुक भी पसंद आया होगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत से लोग के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर आप लोग के पास प्राइमर नहीं है, है ना, और अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है तो आपको अपने फाउंडेशन को मिक्स करना है, स्प्रेड करना है अपने फेस पे, तो आप कैसे करोगे? अगर आप लोग चाहते हो फाउंडेशन हैक मैं आप लोग के साथ शेयर करूं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं शेयर जरूर करूंगी। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।